भाई भी आ गए, मिल गए हमें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? भाई यहाँ से खाना वाना खा लिया हमने और अब हम निकल रहे हैं हैदराबाद से, सिटी से। ये कासमाबाद के इलाके में इनका ऑफिस था यहाँ पर, और थोड़ा फ्रेश हो गए और अभी हम सिटी से निकल रहे हैं और हाईवे पे जाना है। फिर हाईवे से पकड़ने, अभी 3 बज गए खाना वाना खा के, 3 बज गए हैं, थोड़ा टफ हो जाएगा लेकिन अल्लाह करे कोई आराम से मिल जाए जल्दी ना वहाँ पर, यहाँ का तो इशू नहीं है। चलें, नाम क्या आपका? उमर। उमर घोटो भाई, उमर घोटो भाई अभी यहाँ पे मिले इस चुरंगी पे, और हम यहाँ पर अभी जुल्कनैन भाई से मिल के आ रहे हैं, तो खाना वाना खा लिया था उनके वहाँ, अब हम जा रहे हैं हाईवे पे फिर से और फिर अपना रास्ता कंटिन्यू करेंगे अपना सफ़र। तो उमर भाई के साथ अभी हम जा रहे हैं। सर एक बात करनी है, सब्सक्राइब कर के चैनल को, क्योंकि बड़ा अजीम काम कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूबर होना कोई मजाक बात तो है नहीं, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो काम को अप्रिशिएट करें, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग कर रहे हैं आपको, एटलीस्ट करंट जो सिचुएशन है मुल्क की वो तो दिखा रहे हैं। थैंक यू, बड़ा एहसान होगा आपका। ठीक है, और मेरा यूट्यूब चैनल वैसे अरसलान जोखियो के नाम से, तो अगर आपको याद रहे तो आप भी ज़रा एक नज़र देख लेंगे। चले, ओके। ये अब हम पहुंच गए हाईवे पे, और हाईवे पे पहुंच गए और बस यहां से अपना सफ़र का आगाज़, अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे जो कि हमने यहां कंटिन्यू करेंगे जो हमने यहां पे छोड़ा था। यार यहां हैदराबाद ये स्टॉप करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, दादा वहाँ से फास्ट ट्रैक पे जा रहे थे, सोचा आगे कुछ दिख रहा है, कुछ इंटरचेंज वगैरह कुछ है, मतलब कि कुछ चुरंगी है तो वहाँ पे आके फ़ायदा होगा, वहाँ पे स्लो ट्रैक पे भी ट्रक आ जाते हैं तो शायद रुक जाए थोड़ा, देखें। सुक्कुर 319 किलोमीटर रिमेनिंग, और हमने जाना है खैरपुर, तो खैरपुर है तकरीबन 300 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो रहा रोड ना, तो सोचा यहाँ पर मिल जाएगी आराम। चलो, नहीं हमें शौक इस तरह हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, अंकल ने
स्टॉप पर छोड़ा, अभी समझे कि हमें चक्कर के लिए गाड़ी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम चक्कर के लिए गाड़ी नहीं ढूंढ रहे, हम तो हिचहाइकिंग कर रहे हैं। फाइनली वकार ट्राई कर रहे हैं। नो नहीं, कोई नहीं मिल रहा इस वक्त, काफी टाइम हो गया। चलो सूरज भी ऊपर से नीचे आता जा रहा है और 4:15 हो गए। क्या कह रहा था? बहुत शुक्रिया, लापिस इनके साथ, यहाँ इनके साथ ख़त्म हुआ हमारा सफ़र। और अभी हाला भी नहीं आया, हाला भी तकरीबन कोई 18 किलोमीटर अभी रहता है। चल रहा है, देखते हैं आगे क्या है। सनसेट भी हो रहा है, बड़ा अच्छा। ये एक ट्रक होगा हमारे लिए, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सभी का? बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली भाई स्टार्ट, सुनिया का नाम क्या है? दो दो भाई, दो दो उस्ताद ने भी हमें लिफ्ट दे दिए। खैबर से अब हमारा सफर स्टार्ट हो गया इनके साथ, और कोशिश तो यही है कि हम किसी ना किसी तरह आज खैरपुर पहुँच जाए, लेकिन देखते हैं जहाँ तक पहुँचे फिर वहीं पे रात को स्टे करना पड़ेगा। ये चेक करें, जिस गाड़ी में इस वक्त जा रहे थे 17 के करीब, उसका कोई पता नहीं कमानिया वगैरह गिर गई, कमानी है, कुछ मसला हो गया कमानियों में। तो अब वो आगे एक है, तो आगे मैकेनिक है, उसके पास लेके जा रहे हैं। बहुत लोडेड गाड़ी है, बस अल्लाह रहम करे। भाई अभी हम हाला के करीब, ये सकरन के करीब जहाँ वहाँ रुके हुए थे, जहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी उनकी, तो वहाँ से हमारे साथ, क्या नाम क्या आपका? इनामुल्ला भाई हमें मिले, और इनके साथ हम जा रहे हैं आगे दौलतपुर तक। तो ये दौलतपुर तक जा रहे हैं, तो अभी हमें इनके साथ हमारा रास्ता शुरू है। बस ये है, बैक होगा, हो गया मामा, जज़ाकअल्लाह, लाफ़ेस। हाँ भाई, ये यहाँ पर दौलतपुर में इन्होंने छोड़ दिया, आगे डिपो में जा रहे हैं, डिपो का रास्ता, तो सामने होटल है, यहाँ पे पंप भी है, तो हम ज़रा जाते हैं होटल पे, जाते हैं थोड़ा फ्रेश होते हैं, देखते हैं। और अभी टाइम भी अच्छा खासा हो गया है, 9:15 और सही है। हाँ भाई, होटल पे स्टे कर रहे हैं थोड़ा, ये दौलतपुर, पैसा धन धन। तो दौलत ही दौलत है, तो खाना खाते हैं और चाय वाय पी के कोशिश करेंगे निकलने की, टाइम ज़्यादा हो गया है, मुश्किल भी है, ट्राई करेंगे। चलें खाना खाएंगे, भूख इतनी लग तो नहीं रही, लेकिन सिर्फ वकार की वजह से खा रहा हूँ, वो भी है ना, उसको मोटा है, उसको भूख लगती है बहुत। चल
दाल माश, और जिस स्टाइल में है मुझे बहुत फेवरेट है, बहुत सादा। आप कुछ देख नहीं रहे हो, ये इसका रियल एसेंस है। मुझे बहुत मज़े की लगती है चीज़ जो कि बहुत कम मिलती है। भाई रात के 2 बज रहे हैं, मच्छरों ने हालत बहुत टाइट कर दी है, और अब हमने सोचा है कि यार टाइम पास करने के लिए एटलीस्ट मालिश करवा रहे हैं। हमारे पास ये भाई हैं, मालिश हम इनसे करा रहे हैं। अरे नाम क्या आपका? रहीमदाद भाई, रहीमदाद भाई हैं, तो हम इनसे मालिश वालिश करा रहे हैं। इतने में ज़रा हमारी थकन भी दूर हो जाएगी, और ये है कि टाइम भी पास हो जाएगा। मच्छरों ने तो बुरा हाल कर दिया, सो तो सकते नहीं है, मतलब हर तरफ मोजे पहने में इसके अंदर भी काटना शुरू कर दिया मच्छरों ने और हमारे पास मच्छरदानी भी नहीं है। चले मालिश करवाते हैं, थकन दूर करवाते हैं। सुबह हो गई, दौलतपुर में यहीं पे स्टे कर लिया था हमने, नाइट से किया। मच्छरों ने तो ठीक ठाक रेड़ लगाई है, और चले सनराइज़ भी हो रहा है, और पीछे वहाँ पर बहुत अच्छा एक सीन नज़र आ रहा है। सोचा ड्रोन से यहाँ पर शॉट बना लें, क्योंकि ड्रोन अभी तक यूज़ नहीं किया। फिर यहाँ से निकलेंगे, और यहाँ से 140 किलोमीटर तकरीबन रह गया है अभी हमारा खैरपुर के लिए, तो खैरपुर के लिए निकलना है। आई ड्रोन तो उड़ा नहीं, तो ड्रोन के ना DJI ने बड़े हटी के डाली हुई हैं, तो इतना प्यारा सनराइज़ अभी आ रहा था, लेकिन ड्रोन से कवर करने का मूड था, लेकिन वो अभी हो नहीं सका। तो देखते हैं शाम वाम में कुछ अब करने के, अब क्योंकि हम निकलते हैं। अब खैरपुर पहुँचना है तकरीबन 3-3.5 घंटे तो और लग जाएंगे अगर अभी में मिल गया कोई। तो चलो देखा यार कितना प्यारा लग रहा है वो। चेक आउट दिस। कोशिश ये है कि जल्दी पहुंच के खैरपुर आज एक्सप्लोर करना है जितना हो सकेगा, और फिर आज हम अभी इनके साथ हैं। भाई आपका नाम क्या है? कुरबान अली भाई। कुरबान भाई के साथ ही हमें लेके जा रहे हैं खैरपुर तक, इंशाल्लाह ये हमें पहुँचाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है? तो ये है चले पानी दे, अभी हम होटल पे वेट कर रहे हैं। भाई नाश्ता कर लिया, और अभी फिर इनकी मेहमान नवाजी में नाश्ता हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि नो इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह होता है मेरा हिचहाइकिंग का ट्रिप। अच्छा भाई अभी हम चल रहे हैं इनके साथ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, हाफिज़।
ये जा तो रहते सीधे खैरपुर, मगर हमने जाना है डीजी को। हमने डीजी कोट जाना, और डीजी कोट का रास्ता यहाँ से सीधा है। हम तो अंदर यहाँ से बोल रहे हैं चलते हैं। अरे हाँ सर, क्या हिसाब है खेल? 40 रुपये दर्शन। अभी यहाँ पे भी 40 रुपये दर्शन, ऐसा नहीं कर यार। 50 रुपये चला रहे हैं। अब ऐसा नहीं कर यार, सही लगा दे भाई। ऐसे थोड़ा बहुत खाने का दिल चाह रहा है, देखें क्या, देखें हम भी यहाँ का खेला कैसा होता है। चलो दो, एक दर्जन दो। अभी जो गर्मी की शिद्दत है ना, थोड़ी सी बढ़ती जा रही है, और दिल चाह रहा है कि इसमें छलांग खा लें। अगर तू छलांग खा ना, अगर तू छलांग खा ना यार। आए सही जी। आपकी आप वीडियो में भाई, इन भाई ने हमारी मदद की है। हम अब इनके साथ आगे जा रहे हैं। आगे हाँ, ये पूरा हमने बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्लिप हुआ भाई, उसका वो है भी बड़ा स्लिप भी। लग गई यार, कहाँ लग गई, हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया। चलो ट्रैक्टर से भाई आपका गिरते गिरते बचा नहीं बल्कि गिर गया। और मोबाइल मोबाइल पर एक और स्क्रैच आ गया है, मोबाइल की भी MC हो गई है। सही, चल अच्छा अब हम आगे डीजी कोर्ट का आगे का यहाँ पे गेट का रास्ता जा रहा है, जो कि जुल्कुनैन मैंने बोला कि उस तरफ आ जाओ गेट पे। हम गेट पे जा रहे हैं, दूर से हमें फोर्ट दिखा तो था, लेकिन यहाँ से करीब अभी अलग ही दिखेगा। चल